सो गाइस हम सभी को तो मालूम है हमारे फ्री फायर ना, ये फ्री फायर नहीं है, ये ग्लिच फायर है। बिकॉज कभी हम इधर हवा में उड़ जाते हैं तो कभी हम इधर जमीन के अंदर धस जाते हैं, एंड कभी कभी तो हम सीधा इलिमिनेट भी हो जाते हैं। सो गाइस इन जैसे काफी ज्यादा ग्लिचेस फ्री फायर के अंदर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड ऐसे ही कई सारे ग्लिचेस आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ एंड बताने भी वाला हूँ कि आप लोग इन सारे ग्लिच को कैसे यूज कर सकते हो। एंड इन सारे ग्लिचेस के बीच में मैं आपको ये वीडियो में फ्री फायर का अभी आया हुआ न्यू लेटेस्ट गोस्ट ग्लिच भी दिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से गाइस आप लोग फ्री फायर के अंदर गोस्ट देख भी सकते हो एंड खुद गोस्ट बन भी सकते हो। तो गाइस वो ग्लिच क्या है, उसका ट्रिक क्या है, मैं आपको सब कुछ ये वीडियो में बताने वाला हूँ। सो यहाँ गाइस आज के वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, सो वीडियो को स्टार्टिंग टिल एंड तक जरूर से देखना। तो गाइस चलिए गाइस आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को जाने का चट्टा दिया, शिमला से जा कुल्लू से मंगा के जॉइंट पिला दिया, हाँ पिला दिया, भोलेनाथ से मिलने की इच्छा थी ले मिला दिया। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गाइस अगर आपने अभी तक मेरे शॉर्ट चैनल को एंड सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपको फ्री में चैनल प्रमोशन चाहिए तो गाइस आप मेरे बड़े भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी मैं नीचे दे दूंगा लिंक, ठीक है। सो गाइस चलिए गाइस आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट नंबर ट्रिक के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले ना आप लोग अपने ट्रेडिंग मोड लगा देना है एंड उधर गाइस आप लोगों को सोशल जोन के अंदर आ जाना है, ठीक है। तो गाइस आप लोग ये वाली ट्रिक को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सोशल जोन के बाद मतलब जोन में आने के बाद आप लोगों को न्यू अभी जो मटेरियल आया ना क्राफ्टिंग मटेरियल करके, उस वाले क्राफ्टिंग मटेरियल को गाइस आप लोगों को ढेर सारे परचेस कर लेना है। एंड परचेस करने के बाद गाइस आप लोग इधर ऊपर के साइड आ जाना, जिधर लाइट हाउस है ना उधर आ जाना, मतलब एंड उसके मतलब जो टेबल है उसके सामने आ जाना, ठीक है। एंड सामने आने के बाद आप लोगों को क्राफ्टिंग मटेरियल जैसे मैं इधर लगा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, आप लोगों को एग्जैक्टली इसी टाइप से आपने मतलब गेम के अंदर क्राफ्टिंग मटेरियल को लगा देना है टेबल के ऊपर, ठीक है। आप लोगों को एग्जैक्टली 3 क्राफ्टिंग मटेरियल लगा देना है एंड उसके बाद गाइस आप लोग उस वाले क्राफ्टिंग मटेरियल के ऊपर चले जाओ एंड आपको उधर ना सीट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग सीट करोगे तो गाइस आप लोग इसके अंदर आ जाओगे एंड जैसे आप लोग लीव करोगे तो गाइस आप लोग मतलब ट्रेडिंग मोड के नीचे चले जाओगे, ठीक है, मतलब मैप के अंदर चले जाओगे, ग्लिच आउट हो जाओगे, ठीक है। सो गाइस आप लोगों को ये वाला ट्रिक कैसा लगा प्लीज कमेंट में बोल देना। एंड गाइस अगर आपको ना इस वाले ट्रिक से बाहर निकलना है तो गाइस आपको बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो गाइस आगे की तरफ एक सैंड है ना, उस वाले सैंड के मतलब सीधा आप लोग सैंड के तरफ मतलब चले जाना अपने स्केट बोर्ड से एंड आप लोग गाइस इवेंचुअली बाहर निकल जाओगे, ठीक है। सो गाइस आप लोगों को ये वाला ट्रिक कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कर देना। एंड अभी तक अगर आपने ये वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ कमेंट में ये भी बोल देना कि ये वाला ट्रिक कैसा है, ठीक है ना। सो गाइस अभी हम बढ़ने वाले हमें सेकंड नंबर ट्रिक एंड उसमें भी गाइस आप लोगों को ट्रेनिंग मोड के अंदर आना है एंड मतलब सोशल जोन के अंदर ही आ जाना है, ठीक है। एंड सोशल जोन के मतलब अंदर आने के बाद गाइस आप लोग इस वाले टेबल के ऊपर आ जाना है एंड आप लोग जैसे टेबल के ऊपर सिट करोगे तो गाइस उधर लेके आएगा लीप का ऑप्शन। बट गाइस इस वाले ट्रिक के ऊपर हम लोग मतलब वो लीप का ऑप्शन है वो गायब करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस ना बेसिकली आप लोगों को सिट करना है टेबल के ऊपर एंड गाइस आप लोगों को अपना गेम को बंद कर देना है एंड रिस्टार्ट करना है, ठीक है। एंड रिकनेक्टिंग होने का वेट करना है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने इधर गेम को मिनिमाइज कर दिया एंड मैं अभी मेरा गेम को स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मेरा अभी गेम हो चुका है गाइस रिकनेक्टिंग एंड आपको थोड़ा देर वेट करना है एंड जैसे आपका गेम रिकनेक्टिंग होता है ना तो गाइस आप लोग इधर पहुंच जाओगे, ठीक है। बट गाइस आप लोग इधर देखो गाइस आपका जो लीव बटन है वो इधर हो चुका है गायब। सो गाइस आपको ये वाला ट्रिक कैसे लगा कमेंट में बोल देना एंड अगर आपको इस वाले टेबल से खड़े होना है, ठीक है, मतलब एग्जिट करना है तो गाइस आप लोग इधर मतलब सिंपल से एग्जिट नहीं हो सकते, आपको सीधा मतलब ट्रेनिंग सोशल जोन से बैक करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं इधर सोशल जोन से इधर बैक कर लेता हूँ एंड तभी गाइस आप लोग इस वाले टेबल से उठ पाओगे, ठीक है। सो गाइस आप लोगों को ये वाला ट्रिक कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस अभी हम बढ़ने वाले हमारे नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। तो गाइस ना इस वाले ट्रिक से गाइस आप लोगों का जो गन का रेट है ना वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। एंड आप लोग ये वाली ट्रिक को ट्रेनिंग मोड के अंदर भी कर सकते हो एंड मैप के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, मैप पे भी दिखाऊंगा ट्रेनिंग मोड पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग कोई सा भी गन ले लो एंड जिधर मतलब ट्रेनिंग मोड के अंदर जिधर ग्रेनेड मिलता है ना आप लोग मतलब उधर चले जाना, ठीक है। मतलब जिस सामान से यूज का ऑप्शन आता है उस सामान के नजदीक चले जाना एंड आप लोग अपना यूज का एंड आपका जो फायर बटन है उसको जैसे प्रेस करोगे गाइस आपका रेट ऑफ फायर गन का रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। लाइक देखो गाइस मेरा M14 का रेट पर काफी ज्यादा आया हो चुका है, ठीक है। सो गाइस आपको बस बेसिकली अपना जो यूज का बटन है ना यूज जो अभी आया है इस वाले यूज का बटन प्लस अपने फायर बटन को तेजी से दबाना है, मतलब जैसे ही दबाओगे गाइस आपका गन का रेट पर काफी ज्यादा आया हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस मैं इधर फुल मैप में आ चुका हूँ
एंड इधर देखो मैं इधर स्मोक बैरल के ऊपर आ चुका हूँ एंड जैसे मैंने यूज प्लस फायर बटन दबाया गाइस देखो मेरा थॉम्पसन ग्रेनेड पर काफी ज्यादा हाई हो गया है ठीक है। सो गाइस आप लोग ये वाले ट्रिक को यूज कर सकते हो अभी भी ये वाले ट्रिक काम करते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर एंड गाइस इस वाले ट्रिक को देखने के बाद आप लोगों का दिमाग चकरा जाएगा ठीक है। आप लोग फ्री फायर के ऊपर क्वेश्चन उठा हुए ठीक है तो क्यों मैं आपको बताता हूँ ठीक है। तो गाइस इसके मतलब ये वाले ट्रिक करने के लिए आपके पास एक लैंडमैन होना चाहिए एंड एक व्हीकल होना चाहिए एंड आप बस व्हीकल के सामने एक लैंडमैन लगा देना एंड थोड़ा सा दूर जाना एंड आप बस जो लैंडमैन लगाया आपने व्हीकल के सामने उस वाले लैंडमैन का आप लोगों को प्यार से तोड़ देना है ठीक है। एम उसे तोड़ देना है एंड देखो गाइस मेरा इधर व्हीकल हो चुका है डैमेज तो कितना डैमेज हुआ मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ठीक है। बाइक में अभी ड्राइव करता हूँ एंड देखो गाइस ये वाले मेरा बाइक ना काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो गाइस आपको ऐसा ही सीन वापस करना है ठीक है। मैं वापस एक और बार लैंडमैन इसी डैमेज व्हीकल के सामने लगाता हूँ बट इस बार गाइस मैं लैंडमैन को नहीं मैं बाइक को तोड़ता हूँ ठीक है। एंड मैं इधर देखो बाइक को तोड़ रहा हूँ ठीक है। बट गाइस मैं आपको बस समझाता हूँ ठीक है ये वाली ट्रिक क्या है। तो गाइस मैंने इधर बाइक को तोड़ दिया धुआं निकल रहा है ठीक है धुआं निकल रहा है एंड देखते हैं गाइस क्या होता है। अरे यार सामने से बंदा आ रहा है तुमको गाइस देखो ये बाइक मतलब बाइक ब्लास्ट हो चुका है बट गाइस हमारे लैंडमैन को कुछ नहीं हुआ एंड सामने से एनिमी इसको मार लेते हैं सबसे पहले क्या ही खुदक खुदक रहा है मतलब ये खुदक रही है ठीक है। तो गाइस देखो गाइस इस बार लॉजिक क्या बनता है लाइक देखो हमारे जो लैंडमैन का ब्लास्ट है उससे ना बाइक डैमेज हो गया बट गाइस जो बाइक का ब्लास्ट है ना उससे मतलब लैंडमैन डैमेज ही नहीं हुआ मतलब ये किस टाइप का लॉजिक है मेरे को तो समझ में नहीं आया गाइस। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट में बोल देना ये फ्री फायर है तो भाई ये मतलब ग्लिच भी कर सकता है मतलब फ्री फायर नहीं ये ग्लिच फायर है ठीक है मतलब ग्लिच से भरा हुआ गेम। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर एंड ये वाले ट्रिक ना ये वाले ब्रेक का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाले ठीक है। ये वाले ट्रिक से गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग गेम के अंदर किस तरह से गोस्ट को देख सकते हैं ठीक है रियल वाला गोस्ट। सो गाइस ना बेसिकली आप लोगों को ये वाले ट्रिक को करने के लिए आपको बस ट्रेडिंग मोड ऑन करना होगा एंड ट्रेडिंग मोड के अंदर चले जाना होगा ठीक है। तो गाइस मेरा ये वाले ट्रिक को ध्यान से सुनना वरना आप लोग ये वाले ट्रिक को नहीं कर पाओगे ठीक है। सो गाइस आप लोग बस अपने ट्रेडिंग मोड को स्टार्ट कर देना एंड आपके पास ना उस टाइम में जो हाथ में जो गन होगा उसको सबसे पहले तो मतलब थ्रो आउट कर देना है ठीक है वरना ये वाले ट्रिक काम नहीं करेगा। तो एंड उसके बाद गाइस आप लोग इधर M60 गन ले लेना है ठीक है। देखो मैं अभी इधर लेता हूँ गाइस M60Y वाला वेपन ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ऐसे मतलब M60 गन ही लेना है दूसरा अगर आप गन ले गए तो काम नहीं होगा ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को डमी को 2-3 बार हेडशॉट मार लेना है बस मजा कर रहा हूँ गाइस ठीक है। आप लोगों को मतलब इधर M60 ले लेना है एंड जो डमी के साइड में जो तीन मूर्ति है ना मतलब तीन स्टैचू उसके साइड में एक छोटा सा जो फोटो है ना फ्रेम के अंदर उस वाले फ्रेम के मतलब आगे आ जाना है एंड उसके स्कोप इन करने के बाद आगे 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 मूव करते रहना है एंड जैसे गाइस आप लोग आगे आगे मूव करोगे तो गाइस आप लोग इधर गोश्त देखने मिलेगा। अरे गाइस ये ट्रिक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ठीक है। आप लोगों को ना M60 के ऊपर मतलब थर्मल स्कोप भी लगाना पड़ेगा वरना ये वाला ट्रिक काम नहीं करेगा ठीक है। तो गाइस जस्ट 1 मिनट रुको मैं इधर थर्मल स्कोप मतलब ले लेता हूँ ठीक है। तो इधर है गाइस थर्मल स्कोप सो ये है गाइस हमारा थर्मल स्कोप। सो गाइस आप लोगों को थर्मल स्कोप मतलब लेने के बाद आप लोग इधर साइड में आ जाना एंड स्कोपिंग करना। अरे गाइस मैं आप लोग से थोड़ा सा मजाक किया हूँ ठीक है। मेरे को ज्यादा गाली वाली देना मत ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है फ्री फायर के अंदर बट गाइस मैंने इस वाले मतलब मजाक में भी आप लोगों के साथ एक ग्लिच शेयर किया है ठीक है कि आपने नोटिस किया अगर आपने और नोटिस नहीं किया तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ ठीक है। तो गाइस जैसे ही मैंने इस वाले फ्रेम के ऊपर जूम इन किया तो गाइस मेरा ना ये वाले मतलब एंगल है वो एग्जैक्टली चेंज हो गया मतलब जो एम है वो एग्जैक्टली स्लाइटली नीचे चला गया। आप लोग मतलब फिर से देखो गाइस ये वाले क्लिप मैं जैसे जूम इन किया ना मेरा जो एम है वो सीधा मतलब नीचे चला गया ठीक है एग्जैक्टली नीचे चला गया। तो गाइस क्या आपने ये वाले ग्लिच को नोटिस किया अगर नोटिस किया तो जरूर से कमेंट में बोल देना एंड गाइस अभी हम बढ़ने वाले गाइस हमारे नेक्स्ट ग्लिच की तरफ। सो गाइस आप लोगों को ये वाले ग्लिच करने के लिए मतलब आप लोगों को एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी एंड वो व्हीकल है गाइस सिर्फ और सिर्फ बाइक ठीक है। बाइक के साथ ही ये ट्रिक काम करेगा मतलब ट्रिक या फिर ग्लिच व्हाटएवर जो भी बोलो बस आपको बाइक को ना जो ये पोल जैसा है ना आगे उसके ऊपर टकराना है ठीक है मतलब मैप का कोई सा पोल के ऊपर चलेगा। जैसे बाइक इस वाले पोल के ऊपर टकराएगा हमारा बाइक सीधा फ्लिप के बैक रोड में आ जाएगा मतलब सीधा बैक हो जाएगा ठीक है। लाइक आप लोग वापस स्लो मोशन में देखोगे गाइस मैंने जैसे ही बाइक को इस वाले पोल के ऊपर टकराया एंड हमारे बैग ने सीधा फ्लिप हो गया बैक मतलब आप लोग ये वाली ट्रिक को ट्रिक भी बोल सकते हो ग्लिच भी बोल सकते हो व्हाटएवर बोल सकते हो। एंड गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस लाइक कर देना चैनल पे गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय सी यू पीस एंड कमेंट सेक्शन में मिट्स वगैरह कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।